हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिरल शाह और मैं बॉम्बे से हूँ। आज मैं आपको एक जैन रेसिपी बताने वाली हूँ। उसका नाम है ढोकला सालसा सैंडविच। तो चलो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे पैन गरम करने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इंग्रीडियंट्स बता देती हूँ। ये है ढोकला जो मैंने घर पे बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं स्टफिंग के लिए। ये है 3 बेल पेपर्स, येलो, रेड एंड ग्रीन, कॉर्न, जैन सालसा सॉस जो मैंने घर पे बनाया हुआ है। यहाँ पे है बेजिल लीव्स, ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट। तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे पैन में। हम इसमें डालेंगे थोड़े से बेल पेपर्स। इसको हम थोड़ा सा हल्का सा सॉल्ट करेंगे। अभी हम इसमें थोड़े से कॉर्न्स डालेंगे। थोड़ा सा पिज्जा सीजनिंग, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, हल्का सा चिली फ्लेक्स करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो यहाँ पे मैंने जो सालसा सॉस बनाया है जैन, वो हम इसमें डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देंगे हम लोग इसको, मैं एक साइड उल्टा कर दूंगी, ठीक है। और ये जो हमने स्टफिंग बनाया है ना सालसा सैंडविच वेजिटेबल का, हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। और ये दूसरे ढोकले को हम इसको इसके साथ ऐसे कवर कर देंगे। अब मैं इसको गार्निश करूँगी। ये मेरे पास कुछ बेजिल के पत्ते हैं, तो मैं इससे थोड़ा उसको ऐसे गार्निश करूँगी।